गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बैराजों में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे घाघरा का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 90 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाई जाएगी। में घाघरा नदी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पानी के बहाव 3,22,000 क्यूसेक के आसपास है और साथ ही साथ जो है लगभग 25 गांव में 20 से 25 गांव हैं, लोग लगभग 25 गांव में पानी जो है अंदर गया हुआ, जो है 25,000 के आसपास की जनसंख्या प्रभावित हुई है। सबको लगातार हम लोग जो है नाव की सुविधा, राहत सुविधाएँ, लंच पैकेट और राशन की सुविधा, राशन किट है, भूसा है, इस सब का हम लोग लगातार जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और कल गढ़ी ग्राम में रात में सूचना मिली थी, गढ़ी ग्राम में जो है सड़क का कटान हो गई थी लगभग 40 फीट के आसपास, तो रात में ही जो है SDRF के द्वारा, PSC टीम के द्वारा भ्रमण करके जो है लोगों को जागरूक किया गया, सचेत किया गया तथा लाउड स्पीकर से चेतावनी भी जारी कराई गई और उनको निरीक्षण किया गया कि इससे कोई समस्या ना आए। इसके साथ साथ PWD को इसको रिस्टोर करने के लिए कहा।